नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग भर्ती, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, एक और नर्सिंग भर्ती की तैयारी ऑफिशियल न्यूज है और कहीं से भी कोई फेक जानकारी ये नहीं है। तो दोस्तों, नर्सिंग के अभ्यर्थियों के लिए NM और GNM के लिए बड़ी अपडेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग, आप लोग GNM ANM के 11,233 पद फिर सृजित, जल्द होंगी भर्तियाँ। तो ये 2013 की जो भर्तियां हैं उनको पुनर्सर्जित किया है, पुनर्जीवित किया है गहलोत सरकार ने। और इसके अलावा लेवल 2 की एक और वेटिंग लिस्ट को भी यहां पर संशोधित वरीयता सूची जारी करने को कहा है। तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग कमेटी बनाई गई है और इसको गठित किया गया है। और ये ऑफिशियल जो आदेश हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ववर्ती BJP गवर्नमेंट की 2013 की ANM और GNM में जो पद लैप्स हुए थे उनको फिर से यहाँ पर भरा जाएगा, ये अपडेट है। लेवल 2 की वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर निकाली जाएगी, ये ऑफिशियल जानकारी है। जो कमेटी बनाई गई है उसमें 4 लोग शामिल किए गए हैं, BD कल्ला साहब जो ऊर्जा मंत्री हैं, रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री हैं, गोविंद सिंह डोटासरा एजुकेशन मिनिस्टर हैं और डॉक्टर सुभाष गर्ग राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं ये। तो ये यहाँ पर 4 मंत्री लोगों की कमेटी का गठन किया गया है और फिर से इस पर भर्ती को सृजित किया जाएगा। 2018 के लिए अपडेट ये है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया इसी महीने में पूर्ण की जाएगी और जनवरी में पोस्टिंग का कार्य यहाँ पर हो जाएगा, पोस्टिंग जनवरी में दी जाएगी। 2018 के लिए अपडेट है। और ये देखिए 2013 की जो भर्तियाँ थी ANM GNM इनको फिर से सृजित किया जाएगा। अब आप लोगों का एक ही विचार होगा, क्या पहले से जो जिनका वेरिफिकेशन हो चुका था उन्हें ही लिया जाएगा या फिर नए फॉर्म भी भराए जाएंगे। तो अभी दोस्तों कुछ भी कहना यहाँ पर थोड़ा सा असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो पद हैं ये ज़रूर से भरे जाएंगे, इसलिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा इन भर्तियों से रिलेटेड आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। फिलहाल के लिए यही लेटेस्ट अपडेट है, कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। 2013 के अगर आप ANM और GNM के अभ्यर्थी हैं तो निश्चिंत रहिएगा, आपका नंबर इस वैकेंसी के अंतर्गत आ सकता है। तो पहली वर्षगांठ पर सरकार का ये तोहफा है और फिर से सृजित किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।